बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारे साथ मौजूद हैं जॉय ऑफ उर्दू के इस इवेंट के ऊपर। और जॉय ऑफ उर्दू बुनियादी तौर पर एक बाईलिंगुअल ज़ू लसानी इदारा है, जिसका काम, जिसका जो मिशन है वो उर्दू की तरवीज है। हम ये चाहते हैं कि वो लोग जो शायद उर्दू से डरते हैं या वो खौफ खाते हैं कि शायद वो बहुत मुश्किल चीज़ है, हम उनका डर खत्म करें। और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर ताहिरा नकवी मौजूद हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मिडल ईस्टर्न एंड इस्लामिक स्टडीज न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में सीनियर उर्दू लैंग्वेज लेक्चरर हैं। उर्दू पे इनका माशाल्लाह बहुत काम है, खास तौर पर उर्दू से अंग्रेजी जबान में तर्जुमे पर इनका बहुत काम है। और इनकी तराजम की फहरिस्त में सादत हसन मंटो, मुंशी प्रेमचंद, खदीजा मस्तूर और इसमत चुगताई जैसे नाम मौजूद हैं। आज का जो ये प्रोग्राम है, ये खसूसी तौर पर इसमत चुगताई और उनके आखिरी नावल एक कतरा खून के ऊपर है। इसकी दो बड़ी अहम वजूहात हैं जो हम ये इस वक्त कर रहे हैं। एक तो ये कि माह मुहर्रम चल रहा है, तो करबला की कहानी अहम है हमारे लिए, और दूसरी तरफ इस्मत चुगताई का आज यौम पैदाइश है। हमारे पास इस वक्त जो ताहिरा नकवी हैं, इनका इस्मत चुगताई पर भी बहुत काम है, खास तौर पे इस्मत चुगताई के तराजम मेजोरिटी जो है वो बेशतर इन्होंने ही किए हैं अंग्रेजी जबान में। इस सिलसिले को लेके आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला सवाल जो है वो प्रोफेसर नकवी से ये है कि करबला के हवाले से ये एक कतरा खून कैसे अपनी वजूद में आया, ये नॉवल कैसे इसमें चुगताई के थ्रू हम तक पहुंचा, इसकी इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रक था जिसकी वजह से ये हमारे पास पहुंचा? शुक्रिया अली। पहले तो मैं सबसे पहले जॉय ऑफ उर्दू की बहुत शुक्रगुजार हूँ, ज़रमीने अंसारी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस किताब के बारे में आप लोगों से बातचीत करूँ और आपको बताऊँ इसके इसके बारे में। पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये एक तारीखी नावल है और इसके साथ ही ये इस तरह की के हकायक पर मबनी है। इट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, सो इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ हिस्टोरिकल नावल। तो वी कैन रीड इट एज हिस्ट्री एंड वी कैन ऑल्सो रीड इट एज ए नावल। तो ये इसकी खासियत है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इस्मत चुगताई जो हैं वो किस वजह से ख़ास तौर पे मशहूर हैं और उनके जो उनका जो नाम है वो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में बहुत अहमियत रखता है उर्दू फिक्शन के सिलसिले में। तो जिस तरह की किताबें, कहानियाँ, नावल वगैरह वो पहले लिख चुकी हैं जिनमें टेढ़ी लकीर और मासूमा कहानियों में लिहाफ बहुत मशहूर है और चौथी का जोड़ा और बेशुमार बेशुमार कहानियाँ, ये सब चीज़ें जो हैं ये वो लिख चुकी थी। और शी वॉज 61 और साल था 1972। तो उस वक्त अचानक उन्होंने एक नए अंदाज का नावल लिखना शुरू किया जिसका कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता था और आता है उनके पहले काम से। बिल्कुल अलग, बिल्कुल ही अलग तरह का, अलग स्टाइल में, अलग जबान के साथ, रजिस्टर बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो ये कहानी करबला की कहानी थी। अब इस्मत, जिनको मैं इस्मत आपा कहती हूँ, इस्मत आपा की का जो काम है उसको अगर आप देखें तो उसमें मजहब का या मजहबी मसाइल या मजहबी मौजू मजामीन वगैरह इनका कोई वो नहीं था ताल्लुक।
यानी उनकी कहानियाँ ज़्यादा औरतों के बारे में और मुख्तलिफ क्लासेस की औरतों के बारे में, डिफरेंट विमेन फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, द लाइव्स ऑफ विमेन, द इंटरनल लाइव्स ऑफ विमेन. तो एंड शी वॉज सेक्युलर, शी नेवर क्लेम्ड टू बी अ रिलीजियस पर्सन, देर वॉज नथिंग नोन अबाउट हर दैट इन एनी वे सेड एनी थिंग अबाउट हर एंड यू नो रिलीजियस फीलिंग्स. शी बिलीव्ड इन एवरी थिंग एंड शी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, शी वॉज अ मार्क्सिस्ट एट वन टाइम. तो अचानक इस वक्त जबकि वो उम्र के आखिरी हिस्से में थी और अपना तमाम जो बहुत अहम काम जिसकी वजह से उनको बहुत मशहूरी हासिल हुई वो कर चुकी थी, तो उन्होंने एक कतरा खून पर काम शुरू किया जो कि करबला की कहानी है. अब वो उसकी दास्तान बहुत लंबी है कि वो क्यों इस नावल की तरफ आई, उसमें मैं मुख्तसर आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ. उन्होंने ये नावल लिखा और फिर उन्होंने उसको छापने के लिए दिया, तो वो नॉवल जो है वो उसको उसको कोई पब्लिशर नहीं मिल रहा था. यानी आप सोचें कि इसमत बहुत ही मशहूर राइटर हैं और अपने करियर के बिल्कुल उरूज पर हैं और उस वक्त वो एक नॉवल लिखती हैं और पब्लिशर जो है वो कहते हैं कि भाई ये नॉवल आपने क्या लिखा है, ये तो नहीं छप सकता. तो आप अपना जो पुराना आपका स्टाइल है रोमांस वगैरह, या वो जो खवातीन के बारे में आप लिखती हैं, या मुआशी सोशल मसाइल जो हैं उनके बारे में लिखती हैं, ब्रिंग अस समथिंग लाइक दैट. तो इस्मत को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, उनको बहुत डिसअपॉइंट, शी वाज वेरी डिसअपॉइंटेड. और खैर बहरहाल शी फाउंड अ पब्लिशर, फन और फनकार एक पब्लिशर हैं, उन्होंने उनका ये नॉवल छाप दिया. तो अब ये सवाल उठता है मेरे लिए भी और लोगों के लिए भी जिन्होंने के इस नॉवल को पढ़ा कि उन्होंने ये नॉवल क्यों लिखा. तो उनके अपने ही अल्फाज में, हम मैंने जो रिसर्च की उनके बारे में इन वजूहात के देखने के लिए कि क्या वजूहात थी क्यों उन्होंने ये नॉवल लिखा, तो उनकी अपनी ही काफ़ी लंबे लंबे इंटरव्यूज़ हैं और उन्होंने खुद बताया कि वो बचपन में मजालिस अटेंड करती थी और ये वो ज़माना था जब कोई शिया सुन्नी ये वो कुछ नहीं था, लोग इकट्ठे रहते थे और ख़ानदानों में एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, अगर कोई मजलिस हो रही है तो चले सब चले जाते थे उस मजलिस को अटेंड करने. तो वो बचपन का किस्सा सुनाती हैं कि एक मजलिस में, बल्कि कई मजलिसों में बारहा वो गई, तो छोटी बच्ची थी उस वक्त, तो हज़रत अली असगर जो कि 6 माह के बच्चे थे, बेटे थे हज़रत इमाम हुसैन के, उनकी शहादत के बारे में जब वो सुनती थी तो उन पे बहुत ज़्यादा असर होता था. और वो ऐसी कहानी थी, ऐसी बात थी जिस जो वो असर था वो मुस्तकिल उनकी ज़िंदगी के साथ रहा और वो उसको याद करती रही हमेशा. उसके अलावा उन्होंने जब ये फैसला किया कि मैं करबला के बारे में नावल लिखूंगी, तो साथ ही उनके उनका जो एक उनकी जो एक दिलचस्पी थी मीरानीस के मरसियों में, उसने बहुत ज़्यादा इनको इनकी मदद की और इनको एक तरह से मोटिवेट किया. और उनका अपना कहना है कि ये शुरू में उन्होंने किताब के लिखा भी है कि ये किताब जो है, ये नॉवल जो है, ये मीर अनीस के मरसियों के नाम है क्योंकि ये कहानी मैंने मीर अनीस के मरसियों में पाई. मीर अनीस कौन थे आपको मेरा ख्याल है सबको पता होगा. बहरहाल मीर अनीस बहुत ही मशहूर शायर गुजरे हैं क्लासिकल उर्दू मरसे के, और जब उर्दू पढ़ी जाती है और उर्दू में क्लासिकल स्टडीज की जाती हैं तो मीरानीस का नाम सबसे ऊपर होता है. तो वो मरसिया लिखते थे और मरसिये उनके अभी तक पढ़े जाते हैं और बहुत उनकी अहमियत है. और वो मरसिये जो हैं वो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत और उनके ख़ानदान की शहादत और करबला का जो पूरा वाक़या है उस पर मबनी है. और 4 वॉल्यूम्स हैं उन मरासी की और लोग उनको पढ़ते हैं, मुहर्रम में भी पढ़ते हैं और मुहर्रम के अलावा भी पढ़ते हैं.
यानी अगर आपने मीर अनीस नहीं पढ़ा तो आप समझिए कि आपकी उर्दू की जो तालीम है वो नामुकम्मल है। तो वो उन्होंने दोबारा पढ़े और उनको पसंद भी थे और उन्होंने पढ़े, और उस उन मर्सियों को दोबारा पढ़ने का उन पे इतना असर हुआ कि वो एक तरह से एक मुहर्रिक बन गए उन इस किताब के लिखने के लिए उनके लिए। और बार बार आपको नॉवेल में ऐसे हिस्से नजर आएंगे, पोर्शंस नजर आएंगे जहां आपको लगेगा कि ओ ये तो मीर अनीस के मर्सिये से रेफरेंसेस ली गई हैं। तो ये पैराफ्रेज नहीं है मीर अनीस का, ये एक तरह से मीर अनीस एक ट्रांसक्रिएशन भी नहीं है, ये एक मीर अनीस की इंस्पिरेशन है जिसमें उनकी शायरी जो है उसको लेकर उन्होंने इस कहानी के अंदर इस तरह से समो दिया है। आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ मीर अनीस शुरू होता है और होते हैं और कहाँ इसमत शुरू होती हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव एंड ब्यूटीफुल मिंगलिंग ऑफ द वर्क ऑफ मीर अनीस अलोंग विद इसमत्स ओन एक्सट्रीमली एलिवेटेड प्रोज स्टाइल। बल्कि उन्होंने अपना जो प्रेफेस है, जो शुरू में उन्होंने डेडिकेशन है, उसमें उन्होंने ये लिखा है, ये मेरा तर्जुमा है किताब का उर्दू में जो उन्होंने लिखा है उसका, टू अनीस बिकॉज आई हैव फाउंड दिस स्टोरी इन हिज मर्सिया। तो ये जो नॉवल है इसकी बहुत सी खसूसियात हैं। मैं इसकी डेडिकेशन पढ़ूंगी कि, और ये जाहिर है मैं अंग्रेजी में पढ़ रही हूँ जो मेरा तर्जुमा है उसका, इन द फेस ऑफ द सी ऑफ ब्लड दैट हैज बीन स्पिल्ड फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन राइट्स वी आर बट अ ड्रॉपलेट, बट बाय गॉड टुडे दिस ड्रॉपलेट हैज डिसाइडेड टू टर्न इनटू अ स्टॉर्म। हुसैन इब्ने अली, ये उनकी हजरत इमाम हुसैन की अपनी वो है जो उन्होंने कहा था। तो उसके अलावा इस्मत की जो अपनी डेडिकेशन है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना दूं। दिस इज द स्टोरी ऑफ दोज 72 पीपल हु टुक अ स्टैंड अगेंस्ट इंपीरियलिज्म इन ऑर्डर टू डिफेंड ह्यूमन राइट्स। दिस 1400 ईयर ओल्ड स्टोरी इज टुडेज स्टोरी एज वेल because man is still man's greatest enemy. For today too, the standard bearer of humanity is man. Today too, when a Yazid raises his head in some part of the world, Hussein steps forward and crushes him. Even today, light wins against darkness. तो ये इनका उनकी डेडिकेशन है टू द वर्क इटसेल्फ। आई थिंक आपने जो है वो क्यों का जो है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया है कि ये कहानी कहाँ से आती है, कंसिडरिंग के इसमें चौगताई का जो उससे पहले जो उनका सारी उनकी किताबें हैं, उनके अफसाने हैं, उनके नॉवल हैं, उनका स्टाइल मुख्तलिफ रहा है। जी मैं एक मुख्तलिफ बात पूछना चाहूंगा। जी जी आपने बात जिक्र किया कि इसमें चुगताई ये नॉवल खास तौर पर मीर अनीस के मर्सियों पर उनसे इंस्पायर्ड है, और आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि अगर आपने मीर अनीस के मर्सिये नहीं पढ़े तो आपकी उर्दू की तालीम नामुकम्मल है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो करबला का वाकया है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट मीर अनीस राइट, तो करबला का वाकया इसका मतलब है कि उर्दू अदब का एक हिस्सा रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि इसका कितना हिस्सा हम देख सकते हैं जो इमीडिएटली हमें नजर आता है। मुश्किल सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि मीर अनीस जो हैं उनको पढ़ना आसान नहीं है। इन अदर वर्ड्स उनकी जो उर्दू है वो परसो अरबिक के उसमें इतने अल्फाज हैं और वो इतनी रजिस्टर उसका इतना ऊंचा है, इतना हाई है कि हम ऐसे ही वो किताब खोलकर और उसको एक नावल की तरह या एक आम नज्म की तरह या गज़ल की तरह उसको नहीं पढ़ सकते।
उसको पढ़ने के लिए काफ़ी आपकी बैकग्राउंड दरकार है, आपको उर्दू अच्छी खासी आनी चाहिए, कम से कम आपके पास एक बहुत अच्छी डिक्शनरी होनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि बहुत दफ़ा ये होता है कि हम लोग किसी मुश्किल टेक उर्दू के किसी मुश्किल टेक्स्ट को देखकर और घबरा से जाते हैं और सोचते हैं कि भाई ये तो हम नहीं पढ़ सकते और ये हमारे वो नहीं है, हम नहीं इसको टैकल कर सकते। लेकिन डिक्शनरियाँ जो हैं, और अब तो उस पे ऑनलाइन डिक्शनरी है, एक से एक अच्छी डिक्शनरी है, तो आप अगर डिक्शनरी खोलकर एक विंडो में और दूसरी विंडो में रेख्ता डॉट ऑर्ग पर आप मीरनीस खोल लें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। आई थिंक वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट दैट मेक्स इट ईजियर। हाउएवर, टू आंसर योर क्वेश्चन, हुआ यही है कि करबला का वाकया जो है, एक तो खैर वो जो शिया कमेमोरेट करते हैं और हम लोग बचपन से इसको इसका एक, ये हमारी जिंदगियों का एक हिस्सा होता है ये वाकया, और मुहर्रम में और मुहर्रम के अलावा भी हम हज़रत इमाम हुसैन की शहादत और उनकी कुर्बानियों का, उनके ख़ानदान की कुर्बानियों का जिक्र जो है वो करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वो चलता ही रहता है। उसके अलावा ये होता है कि हुआ कि जब मीर अनीस के मरसिए आए और दे अपियर्ड ऑन द सीन एंड पीपल स्टार्टेड टू रीड दम, दे अस्यूम्ड ए ट्रमेंडस लिटरेरी इम्पोर्टेंस। सो इट वॉज नॉट जस्ट द इवेंट ऑफ करबला, बट इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इवेंट ऑफ करबला विच इन इटसेल्फ वॉज अ वेरी एलिवेटेड सब्जेक्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर दोज ऑफ अस हू मे नॉट नो। इट वॉज द इमाम हजरत इमाम हुसैन वॉज द ग्रैंड सन, नवासे थे वो रसूल करीम के, तो ये ऐसा नहीं था कि वो कोई दूर पार के उनके कोई रिश्तेदार थे या उनका इस्लाम से कोई बहुत वेग सा ताल्लुक था या वो कोई थे, कोई शहजादे थे वगैरह, नहीं, वो रसूल के नवासे थे और हजरत फातिमा के बेटे थे और बीबी जैनब उनकी बहन थी, और ये लोग और इनके बच्चे और इनके भाई के बच्चे हजरत इमाम हसन के बच्चे, ये सब लोग जो हैं ये करबला के वाकये में इन लोगों का, ये लोग थे जो वहाँ मौजूद थे और इन लोगों की शहादतें हुई। जाहिर है अगर ये रसूल के नवासे हैं तो इनका ताल्लुक इस्लाम से है, और इस्लाम से है तो तमाम मुसलमानों से, ये कोई शिया जो है सिर्फ उनकी लेगेसी नहीं है, ये लेगेसी जो है ये तमाम मुसलमानों की है, बिकॉज द सैक्रिफाइस एंड द ट्रेजिडी एट करबला इज अबाउट रिलेट्स टू द आइडियल्स ऑफ इस्लाम। एंड सो व्हेन दिस अस्यूम्स अ लिटरेरी फॉर्म, व्हेन इट बिकम्स पार्ट ऑफ उर्दू लिटरेचर व्हिच इज एंड उर्दू इज ऑफ कोर्स अ लैंग्वेज व्हिच बिकम्स पार्ट ऑफ आवर ओन लिटरेरी एंड कल्चरल लेगेसी, तो देन वी आर फोर्स्ड टू रीड इट इन अ वे, टू पुट इट दैट वे। तो जब हम उसको पढ़ते हैं और हमें पढ़ना पड़ता है, तो कुछ देर के बाद ऐसा हुआ कि वो करबला का वाकया जो है उसकी एक और हैसियत जो है वो हो गई, यानी कि वो सिर्फ इस्लामिक और सोशल और रिलीजियस हिस्ट्री से निकलकर एक लिटरेरी हिस्ट्री और लिटरेरी वैल्यू उसकी हो गई। तो ये मेरा ख्याल है कि एक तरह से वजह बन गई बहुत से लोगों के लिए कि वो इसको पढ़ें, और उनके पढ़ने की वजह तो ये होती है कि भाई वो चूंकि ये बहुत अहम हिस्सा है उर्दू, क्लासिकल उर्दू का मरसिया जो है मीर अनीस का, तो ये पढ़ना लाजमी है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हुआ कि वो करबला का वाकया जो है वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलियर होते गए लोग, और एक तरह से एक वक्त ऐसा आया कि जब आप करबला का जिक्र करते हैं रादर रशीद से, तो मीर अनीस का जिक्र भी होता है, और अगर आप मीर अनीस का जिक्र करते हैं और क्लासिकल उर्दू का जिक्र करते हैं और उर्दू का जिक्र करते हैं और उर्दू की तारीख का जिक्र करते हैं,
तो आप ऑटोमेटिकली करबला का जिक्र भी करते हैं. सो इस तरह से दीज टू आइडियाज एंड दीज टू थिंग्स हैव बिकम इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर. सो आई गेस इन दैट वे यस इट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेल्डिंग दीज टू आइडियाज, द आइडिया ऑफ करबला एंड द आइडिया ऑफ उर्दू लिटरेचर, क्लासिकल उर्दू लिटरेचर. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन टू सम एक्सटेंट. यस एब्सोल्युटली. हम वापस इसमें चुगताई और एक खतरा खून पर उसके बारे में जाते हैं. आपने अभी एक जो डेडिकेशन पढ़ी जो इसमें चुगताई ने की थी, जिसमें अब अल्फाज मुझे इमीजिएटली याद नहीं है, लेकिन जिक्र था कि आज भी जहाँ पे कभी कोई यजीद सर उठाता है तो, और ये बात आज की भी नहीं है, ये नॉवल बहुत अरसा पहले लिखा गया था, इंसान तो आज भी इंसान का दुश्मन है. इसकी रेलेवेंस आपके ख्याल में आज के माहौल में ज्यादा हुई है या क्या, उसके बारे में आप कुछ कहें? जी बिल्कुल. बल्कि ये भी कहा जाता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, आपने ये भी सुना होगा. हाँ जी. फिर ये कि खुद उसके इस नावल के अंदर और वैसे भी इसमें चुगताई है कि अपने जो कुछ उनके वो हैं बयानात हैं, उनके कमेंट्स हैं, उनके मुताबिक उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जब मैंने देखा अपने इर्द गिर्द के उसी तरह से लोग जो हैं वो एक दूसरे को पे जुल्म, इंसान इंसान पे जुल्म कर रहा है और कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, और जिसको ज़रा सी ताकत आती है, मैसर आती है, वो जिस जो ज़रा कमज़ोर है उस पे जुल्म करता है. सो ये जो एक तरह से एक एंथम बन गया एक फॉर द ओप्रेस्ड, और एक तरह से इसका एग्जांपल जो है वो हम हमेशा देते हैं कि जब इस तरह की कोई बात होती है, और ख़ास तौर पे जब कोई ऐसी पावर है, हुकूमत है, पावर है जो कि अपनी रियाया पर और अपने लोगों पर जुल्म ढा रही है, तो करबला का वाकया जो है वो एक मेटाफर बन जाता है उस जुल्म के लिए जो हो रहा है लोगों पर. तो यकीनन ऐसा है. बल्कि मैं एक आपको बहुत ही मुख्तसर सा पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊंगी. अभी रिसेंटली हाल ही में किताब का रिव्यू हुआ हिंदुस्तान में, क्योंकि ये इसमें चुगताई के तराजम जो हैं ये हिंदुस्तान में छपते हैं, वहाँ जो मेरा जो काम है. तो वहाँ पर मेरी एक बहन है और दोस्त भी हैं जिनका नाम सैयदा हमीद है, और वो बहुत ही अपने इस वक्त भी और पहले भी गवर्नमेंट में भी उन्होंने बहुत काम किया, प्लानिंग कमीशन में भी, और विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट हैं, स्कॉलर हैं, राइटर हैं. तो उन्होंने इस किताब का रिव्यू किया जो कि छपी थी अभी वहाँ हिंदुस्तान में. तो उन्होंने आखिर में ये कहा, और उनकी जो रेफरेंसेस हैं, जिन नामों की रेफरेंसेस हैं वो एकदम से आपको शायद अजीब लगेंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं इस वक्त मौजूदा, जो इस वक्त हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उस सिलसिले में ये लोग एक्टिविस्ट हैं, और इन पर गवर्नमेंट का अताब नाजिल है और इनको अरेस्ट कर लिया गया है, इसलिए इन लोगों का नाम है यहाँ पर. तो वो लिखती हैं कि कोट, दिस इज अ बुक फॉर टुडे व्हेन वी स्टैंड अप फॉर द थाउजेंड्स ऑफ नवलखाज, भरद्वाजेस, वरवराज एंड यस द जॉर्ज फ्लॉयड्स अक्रॉस द ग्लोब. It is the story of Karbala as told by Chughtai that gives us courage to keep resisting. So I think she puts it very well, jo aap sawal pooch rahe hain uske jawab mein. So yes, that is indeed true. Main also, while I remember to do this, main chah rahi thi ki Mir Anees ka zikr hua to main thoda sa Mir Anees padhu आप लोगों के लिए, और उसके साथ ही जो उसका एक तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग हिस्सा किताब में है थोड़ा सा वो पढ़ूं अगर आप इजाजत दें तो. जरूर, हम विद बी डिलाइटेड. ये मैं पढ़ती हूँ पहले मीरा नीस का थोड़ा सा.
फरजंदे पैगंबर का मदीने से सफ़र है, सादात की बस्ती के उजड़ने की खबर है। दरपेश है वो गम के जहाँ जेर व जबर है, गुल चाक गरीबा है सबा खाक बसर है। गुल रू सिफते गुंचा कमर बस्ता खड़े हैं, सब एक जगह सूरते गुलदस्ता खड़े हैं। आरास्ता है हर बहरे सफर सर्वे कबा पोश, अम्मा में सरों पर हैं अबाएं बसर दोष। याराने वतन होते हैं आपस में हम आगोश, हैरान कोई तस्वीर की सूरत कोई खामोश। अब्बास का मुंह देख के कहता है कोई आह, अब आंखों से छुप जाएगी तस्वीर यदुल्ला। कहते हैं गले मिल के ये कासिम के हवा खा, वल्लाह दिलों पर है अजब सदमाए जां का। हम लोगों से शीरी सुखनी कौन करेगा, ये उन्स ये खुल के हसनी कौन करेगा। रोते हैं वो जो आन मोहम्मद के हैं हम सिन, कहते हैं कि मकतब में न जी बहलेगा तुम बिन। इस दाग से चैन आए हमें ये नहीं मुमकिन, गर्मी का महीना है सफर के ये नहीं दिन। तुम हजरते शब्बीर के साये में पले हो, क्यों धूप की तकलीफ उठाने को चले हो। तो ये गुफ्तगू हो रही है, तैयारी हो रही है हजरत इमाम हुसैन की मदीने से सफर की, कूफे की तरफ, जहां वो रास्ते में फिर कूफे की जगह वो करबला के मकाम पर उनको रोक दिया जाता है, और जहां पे फिर जंग होती है और वहां सब शहीद होते हैं। तो ये उस वक्त जो इनके दोस्त अहबाब हैं वो सब इनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये इसी इसका मैं थोड़ा सा आपको हिस्सा पढ़ के सुना दूं। अ क्लाउड ऑफ ग्रीफ एंड सोरो हैंग्स ओवर द एंटायर सिटी। इन एवरी हाउस होल्ड देयर इज टॉक अबाउट द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम्स ग्रैंडसन हुसैन इब्ने अली लीविंग। ही इज डिपार्टिंग फ्रॉम मदीना। द न्यूज़ स्प्रेड्स दैट द प्रॉफिट्स फैमिलीज होम इज अबाउट टू बिकम डेसोलेट। People's hearts are sinking. The wind is in mourning and the air is filled with melancholy. Everyone is ready. Their belongings have been packed. Abbas's friends and close companions look at him with sadness and nostalgia. All those pastimes, the gatherings, everything will soon become a dream. Qasim's friends also stand nearby with their fallen faces, their eyes welling with tears. Everyone is feeling apprehensive. Their faces are ashen. Never again will there be a dear friend like Ali Akbar. A mature and elegant personality like his will never be forgotten. Zainab bint Ali's sons, Aun and Muhammad, who are only a year apart, are also standing with their school friends, holding back tears with forced smiles on their faces. And then there is a conversation very much similar to the conversation that you hear in the Marsia. So there are many portions in the book where you will recognize some of the Marsias that have been that she has been inspired by in the actual texts. This was beautifully written. Meer Anis or Ismat Aba or aapka tarjuma bhi. So तर्जुमे की तरफ अगर हम आए तो तर्जुमा करना खास तौर पे एक जबान जो एक कल्चर एक चीज की रिप्रेजेंटेटिव है उसको एक दूसरा कल्चर एक दूसरी रिप्रेजेंटेटिव के अंदर तर्जुमा करना और इस तरह करना के मानी बरकरार रहे जुएशीर लाने के बराबर है। और आपने ये जिम्मेदारी अपने सर ले ली जैसे कोई मसला ही नहीं है आपके लिए। तो इस नॉवल का जो तर्जुमा है खास तौर पे इसलिए कि ये पूरा जो नॉवल है ये इस्लामिक हिस्ट्री के साथ भी रिलेटेड है। मीर अनीस का जो लबो लहजा है वो भी इसके अंदर आपको नजर आता है। इसमें चुगताई का अपना जो लिखने का स्टाइल है वो भी है। इस सारे को ट्रांसलेट करते हुए आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं ये जानना चाहूंगा। अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि इससे मुझे ये भी याद आया कि और ये सवाल मुझसे बहुत से लोगों ने भी पूछा और खुद मैंने अपने आप से कई बार पूछा कि मैंने इस्मत आपा का के काम का तर्जुमा
1983 में शुरू किया था, और उस वक्त से लेकर अब तक मैं अभी तक उनका उनके काम का तर्जुमा कर रही हूँ, और जितने उनके नॉवल हैं और उनकी कहानियाँ हैं वो सब मैं कर चुकी हूँ। तकरीबन 90% हो चुका है काम और छप चुका है, लेकिन ऐसा कुछ वो है, एक अजीब सी बात है कि इस पूरे वक्फे में ये जितना ज़माना था जब से लेकर और 2018 तक, मैंने कतरे खून का तर्जमा नहीं किया, और ये लोग भी मुझसे पूछते रहे। और फिर मैंने जब इस किताब में इंट्रोडक्शन फॉरवर्ड लिखा तो उसमें फिर मैंने काफ़ी तफसील से इस बात को एड्रेस किया कि ये ऐसा क्यों था। जब भी इसको पहले एक्चुअली मैंने 2001 में उठाया इस नॉवल को कि मैं इसका तर्जमा शुरू करती हूँ, और एक या दो सफ़े जो थे जो शुरू के हैं वो मैंने उनका तर्जमा किया, लेकिन उसके बाद फिर मैं रुक गई। और कुछ अजीब सा महसूस होता था जब मैं उसको पढ़ती थी, तो ऐसा लगता था कि ये मैं इसका तर्जमा नहीं कर सकती। समथिंग इनसाइड मी वाज ऑलवेज ब्लॉकिंग दिस आइडिया दैट आई शुड जस्ट गो अहेड एंड कीप डूइंग इट। इट वॉजंट एन अनप्लेजेंट फीलिंग, इट वॉज जस्ट समथिंग वेरी इमोशनल, एंड आई वुड से ओके वेल आई एम गोइंग टू स्टॉप नाउ। एंड फिर मैं इसको कुछ दिनों में फिर, और कुछ दिनों की जगह कई साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, एंड देन आई पिक्ड इट अप अगेन एंड आई स्टार्टेड ट्रांस कंटिन्यू आई कंटिन्यूड फ्रॉम वेयर आई हैड स्टॉप्ड, एंड आई डिड अनदर 2 or 3 pages एंड देन आई स्टॉप्ड अगेन। और बीच में और चीज़ों के तर्जमे होते रहे इस मुताबा के, और फिर आखिर में 2018 में मैंने फिर इस किताब को फाइनली उठाया, और अजीब सी मुझे एक फीलिंग हुई कि आई हैव टू डू दिस नाउ। एंड ऑफ कोर्स इट हैज अ लॉट टू डू विद आई थिंक, आई एम नॉट 100% श्योर, मोटिवेशंस जो सबकॉन्शियस होती हैं, कि आई फेल्ट यू नो दैट आई एम कमिंग टू दैट टाइम इन माय लाइफ एंड नथिंग इज सर्टन, तो लेट मी फिनिश दिस, आई हैव टू फिनिश दिस दिस पर्टिकुलर वर्क। तो जब मैंने उसको फिर दोबारा से शुरू किया तो ऐसा हुआ कि जब मैं 2 सफ़े उसके करती और वो एक कुछ बीच में एक दो पैराग्राफ ऐसे आते, दैट आई वुड स्टार्ट क्राइंग, बिकॉज यू नो आई मीन द स्टोरी ऑफ करबला इज पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस इन माई लाइफ, एज मैनी ऑफ यू हु आर वॉचिंग एंड फॉर हूम इट इज द सेम विल वाउच फॉर दैट, इट डजंट फेल टू मूव, एंड सो इट्स पार्ट ऑफ योर इनर लाइफ एंड योर इमोशनल लाइफ एंड योर इंटेलेक्चुअल लाइफ, सो दैट द स्टोरी ऑफ करबला, इवन इफ इट्स 3 words और 4 words, इट ब्रिंग्स ऑन दिस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, एंड विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉरो एंड रिमेम्बरेंस एंड लैमेंटेशन। और इसमें जो मेमोरी का रोल है वो बहुत बड़ा है कि आप अपने बचपन के बारे में भी सोचते हो, यू आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट योर ओन लॉसेस, एंड सो इट बिकम्स ए वेरी कथार्टिक मोमेंट, एंड सो दैट इज वॉट वॉज हैपनिंग। ईच टाइम आई वुड डू 2 or 3 pages आई वुड वीप, एंड देन आई वुड यू नो डू अनदर 3 or 4 pages एंड आई वुड स्टॉप एंड देन आई वुड वीप, एंड दो इट सीम्ड एज दो मुहर्रम वुड नेवर एंड फॉर मी, आई केप्ट ऑन ट्रांसलेटिंग एंड आई केप्ट फीलिंग लाइक दिस। एंड सो आई थिंक दैट दिस फीलिंग वॉज समथिंग आई कुड डील विथ नाउ, बट आई कुडन डील विद इट अर्लियर, एंड परहैप्स दैट इज द रीजन दैट आई वेटेड सो लॉन्ग टू डू इट। But once I started, it was an amazing process. और तर्जुमे का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं तो बहुत दिनों से तर्जुमा कर रही हूँ, और इस्मत आपा का, एंड शी इज़ इंडीड अ वेरी डिफिकल्ट राइटर, इनकी ज़बान जो है
वो बहुत मुख्तलिफ है, एक बेगमाती जबान है, कलोकियलिज्म्स बेतहाशा हैं, इमेजरी इज एक्सट्रीमली रिच, और आम बोलचाल के जो अल्फाज हैं वो कई दफ़ा तो डिक्शनरियों में भी नहीं मिलते। तो जो हमारे एक ज़माने में हमारे घरों में ख़वातीन जो हैं वो जिस तरह एक दूसरे से बात करती थी, उसका तो अब बिल्कुल कोई नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। तो इस तरह की चीज़ें आती थी और आती हैं और आती रहीं। तो चलो वो हो गया, यानी इट वॉज़न्ट इम्पॉसिबल टू डील विद दैट। तो लेकिन यहाँ जब मैं आई तो कतरे कतरा शुरू किया, तो उसमें मुझे ये एहसास हुआ कि तो इस्मत की ज़बान, बिल्कुल इस्मत की ज़बान बदल गई। शी इज़ नो लॉन्गर राइटिंग इन द सेम स्टाइल दैट शी रोट ऑल हर अर्लियर वर्क्स। शी मेड दिस एंड शी राइट्स अबाउट दिस ऑल्सो, इट्स यू नो शी आई लुक्ड एट स्टफ टू सी एंड शी सेज यू नो कि मैंने डिलिबरेटली, अब क्योंकि द सब्जेक्ट मैटर वॉज वेरी एलिवेटेड एंड इवन फॉर अ सेक्युलर पर्सन लाइक इस्मत हु यू नो वॉज नॉट ए, कहना चाहिए मजहब का उनका कोई ऐसा रिश्ता नहीं था, लेकिन ये रिश्ते अजीब होते हैं, इनके हम हर वक्त इनको वो रिजॉल्व भी नहीं कर सकते और हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, और हम ये भी नहीं कह सकते कि मैं कल यूं था और मैं आज यूं हूं, और मैं कल ऐसे था तो मैं ऐसा ही रहूंगा और रहूंगी। तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं। तो बहरहाल वो जो कुछ उन्होंने महसूस किया अपने अंदर, जो जो चेंज उनके अंदर आया, उसके बाद जब उन्होंने ये फैसला किया कि मुझे ये नॉवल लिखना है, तो उन्होंने अपना पूरा स्टाइल बहुत कॉन्शियसली बदला और उस स्टाइल को उन्होंने बेहद एलिवेट किया, और वो उस जो जबान मीरनीस के अंदर थी और जो ऑनरिफिक्स और जो जिस तरह से उनका जिक्र होता है इन हस्तियों का, जो बहुत बड़ी हस्तियां हैं, जिस तरह से उनका जिक्र होता है, वो इस्मत आपा ने उसको अपनाया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी रखा कि ये नहीं है कि अब वो उनका इस तरह से जिक्र हो रहा है तो वो ह्यूमनाइज ना हो। द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस वर्क इज दैट यू आर इन दिस स्ट्रेंज यूनिवर्स दैट यू इनहैबिट ऑफ द फैमिली ऑफ इमाम हुसैन, एंड दिस इज द फैमिली फॉर विच यू हैव द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिस्पेक्ट, एंड येट एट द सेम एंड यू वीप फॉर देम एज इफ दे आर फैमिली मेंबर्स, एंड यू बिकम सडनली शी इस्मत ह्यूमनाइजेज देम इन सच अ वे दैट यू रीड अबाउट देम एंड यू सी देम मूविंग अराउंड एज रियल पीपल एंड एज रियल पर्सन्स। और मैंने एक जगह आखिर में अपनी उसमें भी लिखा है कि जब आप तस्वीरें देखते हैं कभी, पेंटिंग्स वगैरह करबला के वाकये की, तो आपके जहन में क्या है वो तस्वीरें? वो बहुत ही लुमिनेसेंट और वो हल्के हल्के रंगों में, लंबे लंबे फ्लोइंग वाइट रोब्स में खड़ी हैं औरतें, कैंप चल रहा है, लेकिन ये जो औरतें हैं ये दे ऑलमोस्ट लुक लाइक एंजल्स ड्रेस्ड इन दीज लॉन्ग फ्लोइंग रोब्स। बट यू नो वट, एक्चुअली दे हैड नॉट हैड वॉटर फॉर 3 डेज, देर वॉज नो वॉटर इन दैट कैम्प टू वॉश विद, टू ड्रिंक फॉर द वीमेन और फॉर द मैन, और लोग शहीद होके लाए जा रहे थे, खून से भरे हुए उनके लिबास, उनके जिस्म, और वो खून धोने के लिए पानी नहीं था, और वहाँ करबला की रेत है, रेतीला मैदान है, एंड डस्ट स्टॉर्म्स, एंड दिस इज द कंडीशन। सो वी सिट इन अ मजलिस एंड वी वीप, बट वी डू नॉट एनविजन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट दिस इज वॉट वॉज ऑल्सो गोइंग ऑन, दैट दे देयर सफरिंग डजंट एंड विद ओ वो शहीद हो गए, और उन्होंने उनके 6 माह का जो बच्चा था वो शहीद हो गया। इट इज दिस अदर थिंग दैट गोज विद इट विच मेक्स इट सो रियल, विच इज द जो कमाल है इस नॉवल का। और कुछ खास नहीं, उन्होंने आम बात उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन हम देखने लग जाते हैं।
बीबी ज़ैनब और सकीना और जो ख़वातीन थीं तमाम, जब वो यजीद के कैद खाने में थीं, वहाँ रोशनी तक नहीं थी और वहाँ हवा नहीं थी और उसके अंदर पानी नहीं था उन लोगों के लिए, तो क्या हाल। और उन्होंने, बीबी ज़ैनब ने कहा कि हम ये कपड़े इसी तरह लेकर वापस मदीना जाएंगे ताकि लोगों को इल्म हो कि हमारे साथ क्या हुआ। तो ये सब जो है, ये हम उस वक्त मजलिस में बैठकर जब हम आयतें भी पढ़ते हैं और अल्लाहुम्मा सल्ले अला कहते हैं बार बार, ये चीज़ें हमारे जहन में नहीं आ रही होती। और इन चीज़ों का जहन में लाना बहुत लाजमी है। दिस इज़ वॉट दिस पर्टिकुलर वर्क डज फॉर डेफिनेटली डिड फॉर मी एज अ रीडर। एंड सो हाउ डिड आई ट्रांसलेट इट? आई इट वॉज ट्रांसलेशन दैट वॉज डिफिकल्ट। इट वॉज ट्रांसलेशन विच हैड ऑल काइंड ऑफ ब्लॉक्स एंड हर्डल्स, बिकॉज आई केप्ट लुकिंग फॉर दैट अदर इस्मत एंड आई केप्ट फाइंडिंग दिस अदर इस्मत, एंड आई टू हैड टू एलिवेट माई ओन लैंग्वेज और द लैंग्वेज आई वॉज यूज टू ट्रांसलेटिंग इन when I was doing Ismat's other work. So I was correspondingly working with Ismat, which is what I always do, regardless, कोई भी writer है. So I work, I mean, I wanted to hear her voice in my ear. So I hear her voice in my ear and then I translate. And so the translation process becomes a journey in itself with the writer. You know, you are in tow, the writer is in front of you, and you're behind the writer, and you hear everything, and you feel everything, and so you accommodate your language. So it was a learning process for me in terms of translation techniques and strategies. Yes. मैं पूछना चाहूंगा कि आपके पास इस पूरे इवेंट में आज करबला, मुहर्रम, आशूरा और इस्मत चुगताई की योम पैदाइश की वजह से आप कुछ कहना चाहें हमारे लिए, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए, जो लोग अब नहीं सुन रहे लेकिन वो बाद में देखेंगे सुनेंगे उनके लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि तर्जुमा जो है वो उन लोगों के लिए है जो वो ज़बान नहीं पढ़ सकते या अच्छी तरह से वो ज़बान नहीं पढ़ सकते जिसमें किताब लिखी है। तो अब ये जो किताब है, जो कि एक कतरा खून है, आप ये सुनकर भी हैरान होंगे और मैं खुद हैरान हुई जब मुझे एहसास हुआ कि बहुत कम लोगों ने इसको उर्दू में भी पढ़ा है। उसकी वजूहत हैं बहुत सी और वो उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन अब ये तर्जुमा जो है ये काफ़ी हेफ्टी किताब है। ये देखिए काफ़ी मोटी किताब है और इसको देखकर शायद कोई खौफजदा हो जाए कि भई ये इतनी लंबी किताब मैं कैसे पढ़ूंगा, लेकिन तर्जुमा जो है वो उन लोगों के लिए है जो एक किसी सब्जेक्ट में दिलचस्पी रखते हैं लेकिन वो उसका ओरिजिनल नहीं पढ़ सकते। तो मैं ये कहूँगी सबको, ऑल द यंग पीपल आउट देयर हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट द इवेंट्स ऑफ करबला, हु आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ करबला, इन ए वेरी वेरी, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट मीरनीस, इट्स वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ दीज यंग पीपल हु आर मे बी लिसनिंग टू मी टू रीड दिस। इट विल बी एन अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। और मैं समझती हूँ कि तर्जमा जो है वो उसका मकसद ही ये है। मैं कोई इसके प्रॉफिट के लिए नहीं ये काम कर रही। बेसिकली माई आइडिया इज दैट स्टूडेंट्स एंड यंग पीपल हु कैन नॉट रीड उर्दू शुड बी एबल टू येट सी वट वंडरफुल एंड अमेजिंग लिटरेचर देर इज दैट एग्जिस्ट इन उर्दू इन साउथ एशिया स्पेशली, कि हमारी जो लिखने वाली हैं वो कौन है और वो कितना अच्छा लिखते थे।
हाँ जाहिर है कि अगर आप उसको उर्दू में पढ़ेंगे तो वो और बात है, बट स्टिल इट इज बेटर देन नथिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंट. दिस ओपन्स अ विंडो एंड सो आई वुड से एवरीवन प्लीज ओपन दीज विंडोज एंड लुक आउट एट ट्रांसलेशंस. जी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच प्रोफेसर नकवी. आई हैव माई ओन क्वेश्चन एंड देन समबडी ऑन फेसबुक लाइव हैज सेंट अ क्वेश्चन. और आपने बिल्कुल ये सही कहा दैट देयर इज सो मच आउट देयर एंड समटाइम्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सपोजर इज द ट्रांसलेशन. आई एक्चुअली रेड अ ट्रांसलेशन ऑफ इंतजार हुसैन एंड देन वेंट एंड गॉट द बुक इन उर्दू. I did the same with from all the way from Intizar Hussain to Ibn Safi. That made it less scary. You mentioned how Mir Anis's register is so high and so challenging, and Chughtai's writing was also she tried to match that, and therefore the tone of this novel, which is considered to be her greatest novel, and ironically it has not been read by even Ismet Chughtai fans. Was she tried to match that high register? And you said that it was a challenge for you to translate it because you try to also use to reflect that in your translation. Could you give an example of that? Any one phrase and how you changed your register as well to reflect that? Okay. For example, I mean, if you listen to this, history will bear witness that never before have friends as loyal as mine and relatives as loving as mine gathered in one place. I marvel at my good fortune. I hold my head high with pride. There is no greater army for me, no greater weapon than your loyalty and your love. What you are giving me is invaluable. Until now, I held on to a faint hope that matters would not deteriorate to this extent. I thought I would. So in other words, there is a kind of a flow, which if, you know, दो ordinary लोग आपस में बात कर रहे हो तो वो ये register नहीं होगा. उसकी tone भी मुख्तलिफ होगी. And if I had time, you know, I would have picked up a story, short story of hers and read something to you. लेकिन इसका जो एक है ना कि there is a ठहराव, एक ठहराव है, एक जरूरी नहीं है उसकी वोकैबुलरी में भी है, लेकिन उसकी जो टोन है, टोन उसके अंदर एक एलिवेशन है उसके रजिस्टर के अंदर. और जहाँ जहाँ इमाम हुसैन बात कर रहे हैं या जैनब बात कर रही हैं, वो उनका एक अपना अंदाज है जो कि समटाइम्स इट बॉर्डर्स ऑन द पोएटिक एंड द लिरिक. Okay, we have questions from Facebook. One is Sumaira Saeed Naqvi, who says that would you agree that the tragedy of Karbala is not about sympathy and pity, but courage and bravery? Is that what you propagate in your writings? Maybe she meant in this particular book, because it's your translation and Ismet Chughtai's writing. I absolutely, it is not at all about pity. We should never be pitying these characters. We should never, ever think, feel, you know, bichare. No, it was a fight for justice, for truth, and they were very courageous. That's why I like the fact that she humanizes them. That she, rather than, you know, oh, ye to, inko to, wo the bilkul, aur yani, as if almost as though we weep for them on the one hand. On the other hand, we want to think that they were, you know, they were angels all around them. And so what? They were not suffering like human, ordinary human beings, like ordinary people. They were, regardless of how elevated they were. So ye jo unki suffering hai, it's, I mean, or in the face of suffering, they were courageous. They were extremely courageous. I mean, the story of Zainab bint Ali is the story of, it's a feminist tract. It's all young and older women who want to see this happening in religion. We don't like to do combine the two. We should go and look at Zainab bint Ali's story and the role that she plays in the tragedy of Karbala and what she does. Today we are talking because of her, because she is the one who talked about what had happened to her brother and to their family as she traveled
from Karbala to Damascus. Kitni der lagi hogi? She would stop and she would stand up and she would tell the story of Karbala. That is why today we are telling the story of Karbala. So we don't even, somebody just wrote 21 famous women in Islam. I forget the name of the author. And he did not include, he was a Muslim himself, and he did not include the name of Zainab bint Ali, and I wanted to ask him why. So no, it is a story of courage, intense courage, and family loyalties and family relationships, and the importance of family is such a beautiful example of that. Those are some of the things we should be thinking about as we read the stories of Karbala. I hope that helps in some way. Ek sawal ye hai Abbas Hassan se, was a political message being addressed using a religious event as an allegory? This is about the novel Ek Qatra Khoon. Jab ji bilkul ye balki jo introduction hai usme Bilal Hashmi ki kitab ke andar wo bahut lamba chauda isko address karte hain ke jo Indira Gandhi ke zamane ki emergency thi wo unhi dinon wo thodi der pehle wo hua tha silsila balki shayad ho raha tha abhi aur Ismat was very much involved in the idea. And it played into certain passages in the novel itself. So there is this political relationship that the work has. I'll just read a very short passage that is attributed to Imam Zainul Abidin. He said, when the blood of innocent people is shed, the blood of Hussein will become more vivid. People will chant Hussein's name when they take a stand against tyranny. Victory is free from the bounds of life and death. Only the virtuous idea achieves victory. End quote. Thank you so much.